सीएए और एनआरसी के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला गया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की तो साथ ही 15 दिसंबर को कैंपस में पुलिस में घुसकर कार्रवाई को लेकर भी एएमयूवीसी और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। एएमयू में 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित है, इसके बावजूद भारी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद और इस दौरान एएमयू कैंपस के पास भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और अलर्ट पर भी पुलिस बनी हुई है। तो पुलिसिया कार्रवाई को लेकर ये नाराजगी, तो साथ ही यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार का इस्तीफे की जो मांग है वो इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में किस तरह से लोग छात्र यहाँ पर मौजूद, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी यहाँ पर अभी भी, तो सीएए और एनआरसी को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम मेमोरेंडम गया है अगेंस्ट द वीसी एंड रजिस्ट्रार ऑफ एएमयू, जिनके कहने पर पुलिस यहां कैंपस के अंदर आई, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, बच्चों को स्टूडेंट्स को डिटेन किया। यहां काफी सारे स्टूडेंट्स मेडिकल के अंदर अभी भी मौजूद हैं, जिनके हाथ कट गए हैं, जिनकी उंगली टूट गई है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। 2 दिन तक बच्चों को डिटेन रखा वहां पे, उन्हें मारा, पेड़ से बांध बांध के मारा, जामिया के अंदर लाइब्रेरी के अंदर घुस के, आप जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को मारते हैं, क्या वहाँ पे आपको क्रिमिनल्स दिख रहे हैं? दरअसल ये जो कैंडल मार्च था, ये सॉलिडारिटी मार्च था, जो कि जामिया के स्टूडेंट्स पे ब्रूटल अटैक हुआ है, एएमयू के स्टूडेंट्स पे ब्रूटल अटैक हुआ है, उसके लिए हमने सॉलिडारिटी मार्च निकाला था। और ये बात हमने वाजे की है इस सरकार को, इस जालिम एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि तारिक मंसूर साहब और रजिस्ट्रार साहब हैं, कि जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स के ऊपर ब्रूटल अटैक कराया है, हॉस्टल्स को तोड़फोड़ मचाई है, यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, इसके लिए आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हमारी सारी एसोसिएशन, जो एलुमनाई एसोसिएशन है, वो कोर्ट मेंबर्स, सारे ही स्टूडेंट इस बात पे वाजे हैं कि हमें तारिक मंसूर साहब का और रजिस्ट्रार साहब का रिजाइन चाहिए, और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक सीएए वापस नहीं लिया जाएगा। सर, ये एक बहुत ही पीसफुल कैंडल मार्च था, हम लोग इसमें कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आम जनता की और यहाँ के स्टूडेंट्स की जो गुस्सा है, उनका जो उस चीज़ को लेकर, जो उस दिन 17 तारीख की रात को जो हुआ उस चीज़ को लेकर जो गुस्सा है, उसको दिखाने के लिए बहुत ही पीसफुल कैंडल मार्च था। हम लोग सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या कम्युनल कलर नहीं देना चाहते हैं इसको, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, आप एनआरसी लाते हैं, आप ये देखिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ बात करता है। हम नहीं कह रहे कि आप करिए, बिल्कुल करिए, उस आप एक्ट में आपने जो भी दिया, लेकिन आप रिलीजन के बेसिस पे आप लोगों को जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और लोगों में आपस में बंटवारा कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात करते हैं।